हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन टैग के एक नए वीडियो में। वैसे यूजुअली ऐसा जो इंट्रो है वो नहीं होता, क्योंकि एक टैग चैनल है तो भाई एक जगह स्टिल कैमरा रख के और फिर इंट्रो शूट होता है। लेकिन ये एक ऐसे जैसे एज अ व्लॉग होता है ना, ऐसा एक इंटरव्यू शूट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आज हम अपनी बाइक का रिव्यू करेंगे। और जो मेरी बाइक है स्प्लेंडर प्लस, वो जून में ही ली गई थी, जून 2019। उसको हो गए हैं गाइस 5 साल पूरे के पूरे, और 5 साल में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि स्प्लेंडर प्लस में जो BS4 है, वो BS4 आती थी तब, तो उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, मेरे को क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी उसकी। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम ओनर वाला जो रिव्यू होता है ना, ओनर वाला रिव्यू, ठीक है, ईमानदारी वाला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारा कुछ बताऊँगा कि मैंने अभी तक जो मेजर जो पार्ट है उसके मैंने क्या चेंज कराया हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्चा कब हुआ था, और क्या क्या इस बाइक में दिक्कत है। और मैंने BS6 भी चलाई है वैसे, और BS6 में क्या इसके अलावा, मतलब इसको अगर रखते हैं BS6 के साइड में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं बताता चलूँगा आपको कि मैंने इसमें क्या कराया है, कौन सी गाड़ी है, क्या चीज़ है, सारी उसकी कंडीशन कैसी है 5 साल बाद। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है अपनी स्प्लेंडर प्लस, और तुम्हें मैं बताता हूँ, ये जो इग्निशन वाला अभी आप देख रहे हो, ये गड्ढा सा, ये ख़राब हो गया है इसका लोग, 2-3 साल बाद ही ये ख़राब हो गया था, तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। थोड़ा बहुत होता है यहाँ बारिश वारिश का पानी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये अपनी BS4 2019 मॉडल, अभी मैं इसके बारे में तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा, इसमें क्या डला हुआ है, क्या परफॉर्मेंस पहले थी, कितना खर्चा हुआ है, अभी मेजर चीज़ें इसमें क्या क्या चेंज हुई है, और मतलब कैसी बाइक है। इंजन अभी आप देख लो, इंजन एक बार भी इसका खुला हुआ नहीं है, स्पार्क प्लग मैंने चेंज कराया है अभी, तो मतलब बहुत टाइम हो गया था चेंज नहीं हुआ था इसका। तो अभी देख लो, एकदम आगे से थोड़ा सा डैमेज है, ये एक्सीडेंटल डैमेज है सारा का सारा। अभी आप देखो, ये भी टंकी पे एक्सीडेंटल डैमेज है, और वैसे मैंने टंकी पे टेपिंग कराई है, जब ही करा ली थी जब मैंने बाइक ली थी। बाकी ये देखो, IBS इंटरग्रेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, अच्छा काम करता है, मेरे को अभी कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। तो ये आप देख लो, मतलब स्प्लेंडर प्लस थी, एक बार कोई इन्होंने स्प्लेंडर प्लस का स्प्लेंडर प्रो भी किया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा चली नहीं, तो वापसी स्प्लेंडर प्लस कर दिया। अभी देख लो इंजन की जो कंडीशन है कैसी है, एकदम एक हाथ की बाइक है, पावर स्टार्ट है ना, सेल्फ है इसके अंदर, मैंने सेल्फ वाली ली थी, और जस्ट इसके कुछ टाइम बाद ही, 5-6 महीने बाद ही BS6 आ गई। BS6 में इतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा इसके अंदर है, वो बाइक हल्की है, ये बाइक इतनी हल्की भी नहीं है, चलाने में लगता है कि हाँ पहली जो गाड़ी थी वो सही थी। 54,000 के आसपास मेरी बाइक चल चुकी है, और अभी भी आपको यकीन नहीं होगा इसका जो एवरेज है ना, इसका एवरेज 60+ आ रहा है, वो भी 2 सवारी पे। हम लगातार मतलब ऑफिस वगैरह जब जाते हैं तो 2 लोग जाते हैं, 2 लोग आते हैं, मोस्टली 2 लोग चलते हैं, और अभी तक कोई ऐसा माइलेज में कोई दिक्कत नहीं आई है, 60+ ही इसका माइलेज है, 55-60 की स्पीड पे चलते हैं। तो भाई ये है अपनी एक हाथ की बाइक स्प्लेंडर प्लस, 2019 में ली थी, 5 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं, इंश्योरेंस वगैरह दोबारे से हुआ है इसका। तो अभी मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या डलवाया है। पहले मैंने इसमें सबसे जो मेजर वाला हुआ था, चैन गियर जो होता है वो 700-800 के आसपास चैन गियर इसमें डला था, बाकी कोई मेजर चीज़ नहीं हुई। मैं स्टार्ट करके तुम्हें इंजन की आवाज़ भी अभी सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये है वो होल देखो, पर कोई बात नहीं, इसको चला रहे हैं, ये ख़राब था, अब इसको पूरा चेंज करवाने के बजाय मैंने कहा चलाओ यार अभी तो ऐसे ही। तो ये देख लो गाइस, न्यूट्रल हो गया है, अब मैंने इसको स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं इंडिकेटर वगैरह इसके दिखाता हूँ। तो आगे वाले इंडिकेटर, आप जो लोग बाइक चलाते हैं बहुत टूटते हैं, आगे वाले गिरती है सबसे पहले, आगे वाले टूटते हैं, तो ये हर बार मतलब चेंज होते रहते हैं, 4-5 बार चेंज हो लिए, स्पेशली लेफ्ट वाला। आगे LED लाइट मैंने लगवाई हुई है, पीछे हैलोजन बल्ब है, देखो गंदा हो रहा है, इसकी भी मैं वीडियो कभी बनाऊंगा और इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। अब यहाँ एक जुगाड़बाजी मैंने क्या कर रखी है, इसका AHO जो पूरा हेडलाइट स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न जो स्विच होता है ना, ये पूरा आता है, ये अलग सिंगल नहीं आता। इसका स्प्रिंग ख़राब हो गया, ये बटन बड़ा बेकार है इसका,
बहुत सारी बाइकों में ये ख़राब है, मतलब हो जाता है जल्दी ख़राब। तो मैंने यहाँ पे रबड़ काटी और मैंने रबड़ काट के इसमें लगा ली है और अभी चल रहा है। दो तीन बार मैंने रबड़ एक तरफ फेविक्विक मारी, यहाँ मारी, चल जाता है वो। बस थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये निशान से आ जाते हैं और कट जाता है। देखो सेल्फ वाली बाइक है अपनी और इसकी आइडल स्पीड बहुत कम है, तो एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुई, तो दूसरा सेल्फ मारा। आप देखो कितनी स्लो इसकी आइडल स्पीड है, वरना एक सेल्फ में स्टार्ट है। बैटरी भी इसकी वही है, एक्साइड की ही बैटरी है। मैं एक्साइड कंपनी में ही हूँ और 5 साल हो गए हैं, बैटरी को भी कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इंजन की आवाज़ सुन लो आप, इंजन की आवाज़ एकदम सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई इंजन से रिलेटेड कुछ भी। अभी सर्विस वगैरह इसकी टाइम पे होती है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी एक्सीडेंटल डैमेज है, ये भी हो गया था, ये होते रहते हैं। तीन हॉर्न है, तीन में से दो साइड वाले वर्किंग है, एक बीच वाला इसका OEM था जो मैंने हटवा दिया था। तीन की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो रही थी, सोकर लीकेज नहीं हुए अभी तक भी। वैसे स्प्लेंडर के सोकर में दिक्कत नहीं आती, ये देख लो ये रहा ये IBS ब्रेकिंग अच्छा काम करता है। और आगे के जो ब्रेक पैड है अभी तक डले भी नहीं है, जो पीछे वाले ब्रेक पैड हैं 5 साल में 3 बार चेंज हुए हैं। ये देख लो आगे जो हेडलाइट में हैलोजन लैंप है, LED भी आती है कुछ बाइकों में, पर स्प्लेंडर में तो मेरे को लगता है अभी नहीं आई। डबल नंबर प्लेट थी इसके बाद ये हाई सिक्योरिटी वाली आई थी, तो मैंने इसी के ऊपर ये नंबर प्लेट जो थी ये लगवा ली थी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ, ये टायर जो है ना ये MRF का टायर है। सबसे पहला टायर था C8 का, उसके बाद जो मतलब वो टायर ख़राब हुआ था, फूल गया था, तो C8 का ही फिर दोबारा से डला, वो भी ख़राब हो गया सोकर की वजह से। इस तरफ मेरी उंगली जो है यहाँ पे, यहाँ से एक टायर ख़राब हो गया मेरा, फिर वो वारंटी में रिप्लेस हुआ नहीं, तो मैंने MRF का डलवाया। ये सोकर ख़राब हुआ था, एक सोकर की बजाय मैंने दोनों ही डलवा लिए, कि मैंने कहा बाद में जाके दूसरे में दिक्कत हो जाए, इस वजह से मैंने दोनों ही गिरवा लिए। तो 1600 के आसपास के इसके दोनों के दोनों सोकर आए थे, वो ये भी एक थोड़ा सा मेजर काम था स्प्लेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ब्रेक पैड जो हैं पीछे वाले वो तीसरी बार इसमें डले हैं, अब की बार होंडा वाले हैं, हीरो के नहीं मिले, सेम से ही होते हैं करीब करीब, तो मैंने होंडा के डलवा लिए, ठीक है। बाकी जो किक है देखो, किक की रबड़ एकदम सही है, क्योंकि किक ज़्यादातर लगती नहीं है, लगती इसमें सेल्फ है और एकदम स्टार्ट है। ये देखो ये हैंडल वाली जो रबड़ है जिस पे हीरो लिखा है, ये 70 रुपये की मैंने OEM मंगाई थी, मतलब हीरो की साइट से ही मंगाई थी डायरेक्ट, 4-5 दिन बाद तो ये आई थी। और ये लेफ़्ट वाला जो इसका शीशा है ये है लोकल, और राइट वाला है ओरिजिनल, क्योंकि वो टूट गया था, एक्सीडेंटल डैमेज तो होते रहते हैं आपको पता ही है। और देख लो अभी जो इसका माइलेज मैंने आपको बता ही दिया, इसकी मैंने टॉप स्पीड भी अभी चेक करी थी 2-3 दिन पहले ही, तो ये 95-99 तक चली गई थी डबल सवारी में। तो आगे वाला टायर देखो घिसने की कदार पे पूरा है, 90% घिस चुका है। और LOA की कंडीशन देख लो, या ओवरऑल आप बाइक की कंडीशन देख लो, तो एक हाथ की बाइक ऐसी होती है, एक हाथ की भी नहीं कह सकते, कुछ लोग इसको चलाते भी हैं पर वो ट्रस्टेड हैं। जैसे आगे वाली बाइक खड़ी है साइन SP, वो मेरे दोस्त की है, हम ही बदलते हैं जब बाइक बदलते हैं, उसका भी मैं कभी रिव्यू करूँगा, उसको लाऊँगा और वो बताएगा क्या क्या दिक्कत है। तो स्प्लेंडर बहुत ही सही बाइक है, मतलब सही बाइक है, रिलायबल। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? और गाइस एक चीज़ और है, इसमें जो चीज़ भी मैंने आपको बताई है ना एकदम निचोड़ है, वो मेरा 5 साल का मैंने सबसे ज़्यादा चलाई है। वो कहते हैं ना एक हाथ की बाइक है, मोस्टली मतलब 90% ये बाइक मेरे ही हाथ में रही है, और जो चीज़ मैंने फेस की है वो सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है। BS6 के बारे में भी जितना मेरे को पता है, मैंने वैसे चलाई है, उसके बारे में भी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ थी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो करना ही, और अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो यार डिसलाइक भी करना। और ऐसे वीडियो अगर तुम्हें सही लगते हैं, मैं एक रिव्यू करता हूँ। देखो मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तुम्हें एक स्केल है मेरे पास कि मैं बता दूं कि भाई ये अगर यहाँ आएगा तो सही है, यहाँ आएगा तो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम होनेस्ट वाला करता हूँ रिव्यू, है ना। और अब एक चीज़ और है, ये जो मेरा फ़ोन है सैमसंग का, नेक्स्ट रिव्यू इसी का है। और अगर चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको एक नए बढ़िया से वीडियो में, है ना, रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।